नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। ब्लू फिल्म स्टाइल में रस्सी से बांधकर सेक्स करने की वजह से गई जान। समझौता नहीं पहल चाहिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र सुप्रीम पावर आपका अपना अखबार अति शीघ्र पूरे देश में एक साथ प्रकाशित होने जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज रोज की खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सर्च करें और देखें रोज की खबरें। भारत के समस्त राज्यों, जिलों एवं तहसीलों में सुप्रीम पावर समाचार पत्र के रिपोर्टर बनने हेतु संपर्क करें 9424765307। संपादक महेश कात्रे। नागपुर के खापरखेड़ा स्थित महाराजा लॉज में कल दोपहर को एक जोड़ा यहां ठहरने आया, जिसमें युवक की उम्र करीब 30 साल थी, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे की मां है। महिला को लॉज तक खुद युवक ने लाया और महाराजा लॉज में दोनों खुद रुके, लेकिन इस बीच अपने कमरे में कुछ अलग तरीके सेक्स करने के चक्कर में युवक ने खुद को कुर्सी से बंधवा लिया और महिला ने युवक के हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए और बची हुई रस्सी युवक ने अपने गले में डाल ली। इसके बाद महिला वॉशरूम गई, तभी उसे अचानक रूम से जोर से आवाज आई और महिला ने देखा कि युवक कुर्सी से नीचे गिरा हुआ है। जब तक लॉज के कर्मचारी वहां तक पहुंच पाते, तब तक युवक के गले में नायलॉन रस्सी के फंदे से मौत हो चुकी थी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। दिनांक 7/1/2021 को दोपहर को हम लोग जब थाने में हाजिर थे, तब हमको फोन के जरिए एक मालूम ऐसी आ गई कि महाराजा लॉज जो खापरगढ़ा के इलाके में है, खापरगढ़ा से दहेगा ये रोड पे पाया थे, वहाँ पर एक रूम में एक लड़की की डेथ हो गई और उसके साथ में एक लड़की भी है। ऐसी मालूम मिलने के बाद हम लोग जगह पे गए तो देखा हमने कि महाराजा लॉज नाम का जो लॉज है उसके पीछे कुछ रूम है, 3-4 रूम है, उसके अंदर एक रूम नंबर 12 थी जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की रुके हुए थे। पूछताछ किया गया तो उसमें ये पाया गया है कि लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसको पहले शादी का एक लड़का भी है, लेकिन ये दोनों, ये लड़का और जो प्रियसी जो दोनों रूम में रुकने के लिए आए थे, ये दोनों भी रिलेशन में रह रहे थे पिछले 5 साल से। ये 5 साल के बीच में कभी उनके रिलेशन में ये लड़के के दोस्त घर पे हुए, कभी दोस्त के फ्लैट पे हुए और ये पहली दफा यहाँ पर आए थे। तो लड़का अपना नायलन की रस्सी और ब्लेड भी साथ में लेके आया था और इसने लड़की को सदर से पिकअप किया और लॉज तक लेके आया था। लॉज में रूम बुक करने के बाद उन्होंने मंचूरियन वगैरह ऑर्डर किए, दोनों ने मिलकर मंचूरियन खाए। बाद में फिर वो रिलेशन में आए, उनका पहले दफा रिलेशन बेड पर हुआ, सेकंड बार वो कुर्सी पे बैठ के यह हालत में करने की सोच रहे थे कि भैया लड़के के हाथ रस्सी से पीछे बांधे हुए है, पैर भी पीछे बांधे हुए है और नायलन की रस्सी का फाथ एक गले में और दूसरा टोक उसका खिड़की की ग्रिल में बांधा हुआ है। ऐसे हालत में उनका सेकंड टाइम ये हुआ रिलेशन हुआ। उसके बाद लड़की वॉशरूम के लिए चली गई तो उसको कुछ थोड़ी गिरने की आवाज़ आ गई। अटैच टॉयलेट रूम होने की वजह से उसको वो तुरंत रूम में आ गई। रूम के अंदर उसने देखा कि भाई ये लड़का रुचि के समय टोर पे पड़ा है। उसने तुरंत ब्लेड से पैर की रस्सी, हाथ की रस्सी काट के उसको फ्री करने की कोशिश किया, लेकिन गले की रस्सी तनी हुई होने की वजह से उसको काटने के लिए कुछ समय लगा हुआ और जब वो रस्सी कट गई तो मरे हुए हालत में उसकी बॉडी फर्स्ट गिरी हुई थी। उसको अभी पूरा नंगा होने की वजह से उसने पड़ोस रूम में रहने वाला जो लड़का था जो था उसकी मदद भी ली और उसकी मदद लेकर उसने अंडर पैंट और जींस पैंट जो था वो कुछ हद तक उसको पहनाने की कोशिश की। इस तरह की घटना हुई। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।